यशमति नंदन ब्रजबरनागर गोकुल रंजन काना यशोमति नंदन ब्रजबरनागर गोकुल रंजन काना गोपी परण धन मदन मनोहर गोपी परण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान कालिया दमन विधान अमल हरि नाम अमिय विलास अमल हरि नाम अमिय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर वर विपिन पुरंदर नवीन नगर वर वंशीवदन सुवासा वंशीवदन सुवासा ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यमुना तट चर गोपी वसन हर यमुना तट चर
गोपी वसन हर। रास रसिक कृपा माया, रास रसिक कृपा माया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोदाशाय, भक्ति विनोदाशाय, यशोमति नंदन व्रज वर नागर, गोकुल रंजन काना, गोपी परण धन मदन मनोहर, गोपी परण धन मदन मनोहर, दमन विधाना, कालिया दमन विधाना, अमल हरि नाम में अभिलाषा, अमल हरि नाम में अभिलाषा, विपिन पुरंदर नवीन नगर भर, विपिन पुरंदर नवीन नगर भर, वंशी वदन सुभाषा, वंशी वदन सुभाषा, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोधन रखवाला, नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला, यमुना तट चर गोपी वसन हर, यमुना तट चर गोपी वसन हर, रास रसिक कृपा माया, रास रसिक कृपा माया, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर,
सर्वाशाय भक्ति विनोदाशाय यशोमति नंदन व्रज हर नाथ गोकुलनंदन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय
ताय जय गौरानी ताय। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। काय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल काय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace Abhay Charanaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrind Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Sita Ram Lakshman Hanuman Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadramai Shri Sudarshan Ki Jai श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा रविनाश भक्ति रसामृत महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है भक्ति रसामृत महाराज जी। आज इंदौर में आए, कल आए थे, हम चाहेंगे बार बार आते रहें। एक अनाउंसमेंट है, हमारा मंदिर बन रहा है और अन्य ड्यूटी सेवाएं कर रहे हैं और इस एकादशी के दिन हमारा सौभाग्य है यहाँ मैं हमारे गौरवाणी क्लब में सबसे सीनियर जो हैं पद्मनाभ प्रभु जी और सब ग्रुप ने मिलकर ऑल्टर्स की पूरी जिम्मेवारी ली है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और हम रिक्वेस्ट करेंगे महाराज के हाथों से इनको एक प्रभुपाद जी का कॉइन हम देंगे। ये सिल्वर का कॉइन है, इस पर लिखा हुआ 125 रुपीस, लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू हम कभी एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये पीढ़ियों तक हम रखेंगे। मोदी जी ने 2 साल पहले 125th एनिवर्सरी में रिलीज़ किया था, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। कैमरा कैन शो यू, अच्छा इधर आ रहा है टीवी में, ओके महाराज पहले ये दिखा दीजिए सबको, फिर महाराज उनको दे देंगे। Both sides you can show. The silver ka coin hai. Yeah, so like this. Yeah, yeah. Is it coming? Viva! Then he. Haan, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Yeah, okay, bada kar dijiye. Okay. 1896-2021. 125th varsh. Dusra set ke dikha sakte hain? या 125 तो लिखा है लेकिन इसकी वैल्यू तो हम अंदाज नहीं लगा सकते। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हम ये कॉइन महाराज के कर कमलों से पद्मनाभ प्रभु जी को दिलाएंगे। बहुत अच्छी सेवा ली है इन्होंने, बहुत सुंदर ऑल्टर्स आसन होंगे। अदर मेंबर्स कैन कम ऑल्सो, गौरंगा प्रभु जी प्लीज कम, दामोदर विलास एंड आनंद वृंदावन माता जी शीधर, आनंद वृंदावन माता जी, ओके शीधर गुड। सो इनके लिए हम 3 बार हरि बोल करेंगे, महाराज का आशीर्वाद रहे।
हरे कृष्णा हरे बोल हरि बोल जय हरि बोल जय। बहुत सुंदर सेवा ली है, बहुत ही सुंदर आसन मिलेंगे पूरे सागवान लकड़ी के और गोल्ड लीफिंग के साथ। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच, और सब ग्रुप का भी थैंक यू महाराज। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरून् दीनतारणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्र दर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। वहाँ कई भक्त लोग खड़े हैं पीछे, शायद आपको थोड़ा कष्ट न हो तो आप थोड़ा सामने आइएगा ताकि पीछे खड़े हुए लोगों को बैठने के लिए जगह मिल जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। हम किन की उपासना करते हैं
हमारे लिए आराध्य कौन है? यशोमती नंदन, माता यशोदा के पुत्र नंदन। नंदन अर्थात जो आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा माँ को या पिता को आनंद प्रदान करता है, इसलिए उसे नंदन कहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण है यशोमती या यशोदा नंदन या नंद नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन। तो दोनों में से पिता और माता कौन है श्री कृष्ण के? देवकी और वसुदेव हैं या नंद और यशोदा है? कौन है उनके माता पिता? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि माता पिता कौन होते हैं किसी के भी, जो बच्चों को जन्म देते हैं, वही है ना? अब माता पिता का जन्म पहले होता है या बच्चे का? माता पिता का जन्म पहले होता है। अब कृष्ण का जन्म पहले हुआ या माता यशोदा नंद महाराज का? देखिए, आपको दो महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में हम बताएंगे, इनको आप याद रखिए। एक शब्द है तत्व, ठीक है, तत्व या दर्शन। दर्शन अर्थात फिलॉसफी, तत्व अर्थात सिद्धांत, ठीक है। दूसरा शब्द है रस या लीला। तो कौन से दो शब्द हैं? एक है तत्व और दूसरा है रस या लीला, ठीक है। अब सोच लीजिए कि एक पहलवान है, बड़ा हृष्ट पुष्ट है शरीर से, और उसका एक छोटा बच्चा है। बच्चा देखता है कि पिताजी जाके कुश्ती कर रहे हैं, तो वो पिताजी को ललकारता है। वहाँ आप युद्ध कर रहे होंगे, बड़े बड़े पहलवानों को परास्त कर रहे होंगे, परंतु मुझे आप नहीं हरा सकते। तो पिताजी कहता है, देखूंगा कैसे तुम हराते हो मुझे, मैं बहुत बलवान हूँ। देखा तो बच्चा भी बोलता है, मैं उससे ज़्यादा बलवान हूँ। तो कुश्ती करते हैं, तो दोनों कुश्ती करने लग जाते हैं, और जीत किसकी होती है? बच्चे की जीत होती है। ऐसे कैसे संभव है? परंतु होती है। तो क्या इसका मतलब है कि बच्चा अपने पहलवान पिता से अधिक बलवान है फिर? लेकिन पिता तो हार जाता है। फिर सही क्या है, गलत क्या है, कौन ज़्यादा बलवान है? इस शब्द का, इस प्रश्न का उत्तर यदि हमें पाना है तो हमें इन दो शब्दों का प्रयोग करना होगा, तत्व और रस। तत्व के दृष्टि से पिताजी बलवान है। यदि वास्तव में पिताजी अपनी शक्ति लगाए हैं तो बच्चा बेचारा कहीं का नहीं रह जाएगा, है ना? परंतु रस के दृष्टि से बच्चा ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि पिता इतने शक्तिशाली होने के बाद भी इतने रहने दो। तो हम ये कह रहे थे कि पहलवान और अपना बच्चा, दोनों में से शक्तिशाली कौन है? हम इस प्रश्न का सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते। पहले पूछना होगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको रस के दृष्टि से चाहिए या तत्व के दृष्टि से चाहिए, है ना? तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम पूछना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता हो सकते हैं क्या, कि श्री कृष्ण सभी के माता पिता हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा कि आप किस दृष्टि से जानना चाहते हैं? आप तत्व के दृष्टि से जानना चाहते हैं या रस के दृष्टि से, लीला के दृष्टि से जानना चाहते हैं? जहाँ तक तत्व की दृष्टि हो
तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, मैं सबका पिता हूँ, सबका सबकी मैं माता नहीं हूँ, मैं दादा दादी जो कहे आप वो मैं ही हूँ। तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। माता पिता वो होते हैं या पिता वो होते हैं जिन जो कि बच्चे को जन्म देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वस्व सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है, वो अंतिम हमारे पिता हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण पिता बनना इतना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग जाते हैं भगवान के पास शॉपिंग लिस्ट लेकर जाते हैं, भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, वो इच्छा पूरी कर दीजिए, हमारी वो समस्या है इसका हल निकालिए। तो भगवान सोचते हैं कि बहुत हो गया, परेशान हो गए हम, सब लोग आते हैं मेरे पास अपने शिकायतें लेकर, अपने मांगे लेकर, अब मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मैं शिकायतें लेकर मेरे भक्त के पास जाना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना होगा, मुझे बच्चा बनना पड़ेगा और किसी मेरे भक्त को मुझे माता पिता बनाना पड़ेगा। क्योंकि वैसे मेरे माता पिता कौन हो सकते हैं, सभी का पिता मैं ही हूँ, तो फिर क्या किया जाए। तो हाँ, मेरे ऐसे कोई विशेष भक्तों को मैं चुनूंगा जो कि मेरे माता बन सकते हैं, मेरे पिता बन सकते हैं, और फिर उनके साथ मैं ये भूल जाऊंगा कि तत्व के दृष्टि से मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भूल जाऊंगा और मैं क्या करूँगा, केवल उनका बच्चा बन जाऊंगा। और वात्सल्य रस का प्रेम जो है, वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करूंगा, और उस समय मैं जाके मेरे माता से पूछूंगा, मुझे दूध चाहिए, जल्दी दे दो, भूख लगी है। मेरे पिता से जाके मैं कुछ और मांगूंगा कि मुझे ये चाहिए, पिताजी जल्दी से दौड़ के मेरी मांग पूरी कर देंगे। तो उधर माता पिता भी, नंद महाराज हो, माता यशोदा हो, वो अपने बच्चे की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, वो भी वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो ये वृंदावन की विशेष बात है कि श्री कृष्ण ये तत्व को भूल जाना चाहते हैं, ये तत्व का जो दृष्टिकोण है उन्हें पसंद नहीं है। वो सोचते हैं भगवान भगवान कह के लोग मुझे संबोधित करते हैं, बहुत हो गया, मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे केवल एक भक्तों का, भक्तों के हाथ में खिलौना बनना है, मैं अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता हूँ, वो तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में करता हूँ, आध्यात्मिक जगत में भी, वैकुंठ लोकों में मैं मेरी शक्तियों का प्रदर्शन करता हूँ। मैं किस चीज़ का प्रदर्शन करना चाहता हूँ, मधुरता का, मैं केवल माधुर्य का प्रदर्शन करना चाहता हूँ, मेरे भक्तों के संबंध में केवल मैं ऐसे मीठे रस का आस्वादन करना चाहता हूँ जो कि और कहीं उपलब्ध नहीं है, जहाँ कोई ऐसे रस का स्वाद मिलता नहीं हो, और वो है वृंदावन। तो वृंदावन की विशेषता ये है कि वो एक स्थान है जहाँ भगवान भगवान बनना पसंद नहीं करते और अपने आप को भगवान के रूप में भी पेश नहीं करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं जब उनके भक्तों को परेशानी हो जाती है, कोई असुर आदि आक्रमण करते हैं, तो फिर भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं, इस प्रकार से असुरों का वध करते हैं। कभी दावानल हो जाता है तो अग्नि को ही निगल लेते हैं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में कभी कभी अपनी भगवत्ता का प्राकट्य करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने आध्यात्मिक जगत के वृंदावन में ऐसी शक्तियों का प्राकट्य भी नहीं करते हैं। दो वृंदावन है, एक वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत में है और एक वृंदावन जो भौतिक जगत में है,
दोनों में क्या अंतर है? अंतर है दोनों में? नहीं है। तो दोनों वृंदावनों में अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए जब भगवान परव्योम वृंदावन से भौम वृंदावन में प्रकट होना चाहते हैं तो धाम के धाम को लेकर वो आ जाते हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होना चाहते थे धरातल के ऊपर, उन्होंने राधा रानी से पूछा, आओगे मेरे साथ? राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों आऊँगी? तो कहा, हाँ देखो, मैं वृंदावन को लेकर जाऊँगा, वहाँ हम लीला करेंगे। ठीक है, यदि वहाँ यमुना रहीं, यदि वहाँ गोवर्धन रहा, यदि वहाँ पूरा वृंदावन धाम रहा, तब मैं आऊँगी। तो श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो संपूर्ण वृंदावन धाम भगवान प्रकट कराते हैं यहाँ धरातल के ऊपर। और इस वृंदावन में, जिसको भौम वृंदावन कहते हैं, भूमि पे प्रकट होने वाले वृंदावन, और पर व्योम, व्योम अर्थात आकाश, आसमान, पर अर्थात आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक जगत में स्थित वृंदावन और भूमि पर स्थित वृंदावन, इन दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर भी थोड़े अंतर हैं, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण असुरों का वध करते हैं, अपनी भगवत्ता का प्राकट्य करते हैं, क्योंकि भक्तों की रक्षा करना आवश्यक है। परंतु वहां पर असुर कहाँ से आए? भगवान के धाम में तो कोई असुर है ही नहीं, वहां पे तो सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान वहां पर ऐसी लीला नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान अपने आप यहाँ प्रकट हो जाते हैं, ताकि यहाँ पे इस वृंदावन धाम में वो ऐसी लीला कर सकें जो कि वहाँ भी नहीं कर सकते हैं पर व्योम वृंदावन में। तो ये देखिए भौम वृंदावन की विशेषता है, ऐसी लीलाएं हम देखते हैं यहाँ पर भौम वृंदावन में, जो वहाँ पर भी नहीं होती हैं। असुरों का वध करना, ठीक है, कर लीजिए। हरे कृष्णा, अभी सुन पा रहे हैं पीछे? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, ठीक है, आप सब सुन पा रहे हैं? नहीं, नहीं सुन पा रहे? हाँ ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, चलो। तो ये विशेष बात है वृंदावन धाम की। जिस प्रकार से श्री कृष्ण वृंदावन में बर्ताव करते हैं, हम आध्यात्मिक जगत के भी किसी भी भाग में नहीं देख सकते हैं। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के कंधों पर ग्वाल बाल मित्र चढ़ जाते हैं, और चढ़ के फिर कभी कभी उनको दंड भी देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मजाल किसकी कि वो नरसिंहदेव भगवान के कंधे पे चढ़े और उनको धमकी दे? है ऐसे साहस किसी के अंदर कि भगवान नरसिंहदेव को धमकी दे दे कि अब नहीं आओगे तो अगली बार खेलने के लिए हम नहीं लेंगे तुम्हें? अब माता यशोदा के डर से भाग रहे हो, उधर माता यशोदा धमकी दे रही है, बुला रही है, तुम क्या अनाथ बच्चे हो? दिन भर खेलते रहते हो, कोई भोजन खाने का कोई समय है कि नहीं है? तुरंत आ जाओ, अब नहीं आओगे तो भोजन नहीं मिलेगा। अभी तो कृष्ण घबरा जाते हैं। वो कृष्ण जिनसे मूर्तिमान भय भयभीत होता है, भीषस्मात् वातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषास्मात् अग्निचंद्रश्च मृत्यु धावति पंचमः। सूर्य अपना प्रकाश देता है भगवान के डर से, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, देती है भगवान कृष्ण के डर से, वायु पवन भी बहता है भगवान कृष्ण के डर से, मूर्तिमान मृत्यु भगवान के भय से काम करता है।
परंतु वही भगवान श्री कृष्ण जिनसे सब सभी लोग डरते हैं, बड़े बड़े देवता भी डरते हैं, वो भी माता यशोदा से डर रहे हैं, अपने ग्वाल बाल मित्रों से डर रहे हैं, गोपियों से डर रहे हैं। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की शिखा को बांध के रख लिया खंभे से और श्री कृष्ण अटके रह गए ऐसे, अरे भाई छोड़ो, छोड़ दो, हमें छोड़ दो, नहीं दंड मिलेगा तुम्हें। ये है वृंदावन। ऐसी ऐसी चीजें श्री कृष्ण वृंदावन में करते हैं। आप किसी और व्यक्ति से बात कीजिए इन चीज़ों के बारे में जो वृंदावन के भक्ति से भलीभांति परिचित नहीं है, तो वह कहेगा ये तो बड़ा अपराध कर रहे हो आप। भगवान किस तरह के भगवान है जिनको आप डांटोगे, जिनके कंधों पे आप चढ़ोगे, चढ़ के बैठोगे, धमकी दोगे, जिनको उखल से बांध दोगे, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा भगवान के प्रति। क्योंकि साधारणतः लोगों की धारणा जो भगवान के बारे में है वो यही है कि भगवान हमारे लिए एक पूजनीय है बस, दूर से जिनको जिनसे हमें डरना चाहिए, या डर न भी हो तो कम से कम पूरा सम्मान करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए इत्यादि, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। परंतु वृंदावन में कौन श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है? श्री कृष्ण सभी की आज्ञाओं का पालन करते हैं। कई बार मैं ये बताता हूँ कि समस्या ये है कि भगवान के सिवाय सभी लोग भगवान बनना चाहते हैं, सही है ना? प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि यहाँ दुनिया में सभी लोग भगवान बनना चाहते हैं। किस दृष्टि से? इस दृष्टि से कि हम लोग नियंता बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। परंतु ये तो केवल भगवान का स्थान है, हमारा स्थान नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति भोक्ता बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि वो नकली भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। भगवान तो कह ही चुके हैं भगवद गीता में कि वो हर चीज के स्वामी हैं। कौन सा श्लोक है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वर। तो यदि हम सोचते हैं कि ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा धन है और इसका भोग मैं करूँगा, भोग का अधिकार केवल मेरे पास है, तो फिर इसका मतलब है हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा स्थान है केवल भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना और इस प्रेम का आस्वादन करना। देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहते हैं, सेवा करने में अधिक आनंद है, सेवा करने में, सेवा स्वीकार करने में कम आनंद मिलता है। जब हम किसी की सेवा स्वीकार करते हैं, अहंकार को मालिश हो जाता है, अहंकार को अच्छा लगता है कि लोग मेरी सेवा कर रहे हैं। परंतु जब हम किसी की सेवा करते हैं बड़े प्रेम से, तो उस सेवा में जो आनंद आता है उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी एक बता रहे थे एक बार कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें मिलने के लिए कोई आए और दफ्तर के बाहर उनको रुकना पड़ा, काफ़ी समय तक रुके। जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ये प्रधानमंत्री जो हैं अपने पैरों पे घुटनों पे हैं, हाथों पर घुटनों पे घोड़े बने हैं और उनका जो पोता है वो उनके पीठ पे चल के घोड़ा चला रहा है, चाबुक मार रहा है और ये प्रधानमंत्री अपने दफ्तर के अंदर चल रहे हैं। और ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या है, तो इतने बड़े आदमी प्रधानमंत्री, परंतु उनको अपने पोते की सेवा करने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, घोड़ा बन गए हैं उनके लिए। तो देखिए सेवा करने में जो आनंद है, सेवा स्वीकार करने में वो आनंद नहीं है। तो भगवान भी ये बात को जानते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं सेवा लोग मेरी कर रहे हैं, यहाँ वैकुंठ लोकों में अनंत कोटि वैकुंठ लोग हैं, भौतिक जगत में भी मेरी सेवा कर रहे हैं, परंतु मुझे कब मौका मिलेगा मेरे भक्तों की सेवा करने के लिए? मुझे भी तो कोई डांट सुननी है, मुझे भी तो कोई ऐसे रस का आस्वादन करना है। तो इसलिए भगवान वृंदावन में रहते हैं। जैसे
एक कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे वो न्यायाधीश हो बड़े हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या कोई राष्ट्रपति या जो भी हो, जब वो अदालत में बैठा हुआ होता है तो ऐसे निर्णय देता है कि इसको मृत्यु दंड मिल जाएगा या इसको पुरस्कार मिलेगा 10 लाख रुपए की, कि उसके प्रति अन्याय हुआ है, तो ऐसे बड़े बड़े अन्याय लेता है और सभी लोग डरते हैं उनसे। जैसे वो प्रवेश करते हैं कमरे में, सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे याद है कई साल पहले मंदिर में कोई समस्या हुई थी, कोई दूसरे ने मंदिर पे कब्जा किया था, ऐसे कुछ हुआ था, कोई समस्या हुई थी, तो भक्तों ने मुझसे कहा कि आप भी जरा आइए देखिए कि कैसे हो रहा है। मैं इसके पहले कभी अदालत में गया नहीं था, तो मुझे क्या पता कैसे बैठना चाहिए वहाँ पर। तो मैं बैठा था, पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठा था, तो कोई व्यक्ति आया, ऐसे आप नहीं बैठ सकते न्यायाधीश के सामने। तो ठीक से बैठ गए, सम्मान से, न्यायाधीश हैं, उनके सामने उनका सम्मान करना चाहिए। तो इतना सम्मान उनको मिलता है, परंतु घर में आते हैं तो बच्चा कंधे पे चढ़ जाता है, बच्चा उनकी बात नहीं मानता। अदालत में उनकी बात तो सबको माननी चाहिए, लेकिन घर में कोई बात नहीं मानता उनकी। ऐसे हिरण्यकशिपु सारे ब्रह्मांड में देवतागण भी उनके भ्रिकुटियों हिलने पर भी कांपने लगते थे, परंतु ये छोटा 5 साल का बच्चा उनकी बात नहीं मान रहा था। तो ऐसे होता है जीवन में। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि मैं ऐसे संबंध मेरे भक्तों के साथ बनाए रखूं जिसमें मैं मेरे भक्तों की सेवा करूंगा, खूब सेवा करूंगा, और कोई मुझे भगवान मान के प्रेम ना करे, कोई मुझे बच्चा मान ले, मुझे प्रेमी मान ले, मुझे पति मान ले, मुझे मित्र मान ले, ये मैं पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें जो रस है वो श्रेष्ठ है। केवल मालिक बनना, स्वामी बनना, इसमें जो रस है वो निम्न श्रेणी का है, इसलिए वृंदावन इतना विशेष है। तो आप पूछेंगे कि वृंदावन की विशेषता क्या है, तत्व या रस? रस प्रधान है वृंदावन, लीला प्रधान है। जब लीला शब्द का की परिभाषा की बात आई तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, लीला का मतलब क्या है? जब परम सत्य भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, वो सोचते हैं कि मैं एक ग्वाल बाल हूँ, ये है लीला। रस, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल बनना चाहते हैं, गायों का देखभाल करना चाहते हैं, उनको सुबह सुप्रातः काल में वो चराने ले जाते हैं वृंदावन में, प्रतिदिन इनका दैनिक कार्य है, इनकी दैनिक लीला है वृंदावन में, पर व्योम वृंदावन में और भौम वृंदावन में भी। तो भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन जाते हैं गायों को चराने के लिए, सायंकाल उनको लौट के ले आते हैं। तो ये भगवान का पेशा है, हम सब का कोई ना कोई पेशा हो सकता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई कुछ, तो भगवान का पेशा क्यों नहीं हो सकता? तो भगवान बड़े गर्व से कहते हैं, मैं तो गोपाल हूँ, गायों का पालन करना मेरा काम है, और गायों की सेवा करने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गायों को भूख लगी नहीं है, चलो उनको प्यास लगी, जल के पास ले जाओ। जब कोई असुर आक्रमण करता है तो श्री कृष्ण की रक्षा के लिए वहाँ तत्पर रहते हैं। इसलिए वृंदावन में मिठास इतनी है, इसलिए वृंदावन को माधुर्य धाम कहा जाता है, क्योंकि वो मधुरता से भरा हुआ है। माधुर्य प्रधान धाम, और दूसरी जगह वैकुंठ क्या है? ऐश्वर्य प्रधान धाम, जहाँ पर सभी लोग भगवान विष्णु, भगवान नारायण को हाथ जोड़कर संबोधन करते हैं, हे भगवान, हे स्वामी, हे प्रभु। बृहद भागवतामृत नाम का एक ग्रंथ है सनातन गोस्वामी द्वारा विरचित, उसमें एक भक्त है,
और ये गोवर्धन के भक्त हैं, और किसी कार्य वो पहुंच जाते हैं वैकुंठ। वैकुंठ में पहुंच के वो देखते हैं भगवान नारायण को, तो भगवान नारायण को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये भी वही है, मेरे काना कन्हैया है, ये भी वही है, विष्णु नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वही है। तो अपने व्रज भाव में वो बुलाते हैं भगवान नारायण को, देखकर चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, हे गोपाल कह के जाके आलिंगन करने के लिए जाते हैं। और वैकुंठ के भक्त कहते हैं, क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना बर्ताव करते हैं, ये वैकुंठ है, ये तो हमारे भगवान है। ये ब्रज के भक्त क्या सोच रहे थे, अरे ये तो मेरा गोपाल है, तो रूप थोड़ा बदल गया है परंतु है ये मेरा गोपाल। तो ऐसा भाव जब यहाँ वैकुंठ में प्रदर्शित करने का प्रयास कोई करता है तो वो स्वीकृत नहीं है वहाँ पर। ऐसा भाव केवल वृंदावन में हो सकता है, जहाँ ग्वाल बाल भी कृष्ण को एक वचन में पुकारेगा, अरे गोपाल कैसे हो, इधर आओ। मधुमंगल डांटेंगे, अरे देखो कृष्ण मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे कृपा मेरे आशीर्वाद के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये नहीं सोचना कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, इतने असुरों का वध किया, देखो हम ब्राह्मणों की कृपा से ही ये शक्ति तुम्हें मिली है, याद रखना। इसलिए आगे भी बहुत सारे असुर आएंगे, संभल के रहना, तो मुझे खुश रखना होगा, मुझे लड्डू खिलाओ, क्योंकि मधुमंगल लड्डू खाना बहुत पसंद करता है। तो भगवान कृष्ण को धमकी देके ऐसे लड्डू निकलवाता है भगवान कृष्ण से, और भगवान दे भी देते हैं, ले लो ले लो ले लो। ये है भगवान कृष्ण वृंदावन में। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ थी थोड़े समय के लिए, उनके मन में थोड़ा गर्व उत्पन्न हुआ कि श्री कृष्ण हमारे साथ में है। तो वृंदावन में गर्व के लिए अभिमान के लिए कोई स्थान नहीं। जब तक हम पूरी तरह से विनम्र नहीं होते, अपने आप को श्री कृष्ण के दासों के दासों के दास नहीं मानते, तब तक हम कृष्ण को पा नहीं सकते वृंदावन में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा है, ना हम विप्रो न च नरपति ना भी वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोत्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताश्रय गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, मैं न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न सन्यासी हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण के दासों का दास हूँ, ये मेरा परिचय है। तो जब तक ये दासों के दासों की दास की भावना नहीं आती वृंदावन के भक्तों के दासों के दासों के दास, तब तक हम वृंदावन में श्री कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। वृंदावन में प्रवेश करने की बात तो दूर रही। तो खैर, गोपियां तो शुद्ध भक्त हैं, फिर भी लेश मात्र अणु मात्र थोड़ा गर्व जब दिखाई पड़ा उनके व्यवहार में, तो भगवान श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए और सारी गोपियां इतनी विचलित हो गई और यहां वहां ढूंढते रही श्री कृष्ण को कि कहां है श्री कृष्ण, कहां है। और वहां श्री कृष्ण छुपे हुए थे एक झाड़ी के पीछे। तो जैसे ये गोपियां ढूंढते हुए आईं तो वहां अचानक श्री कृष्ण दिखाई पड़े। तो श्री कृष्ण ने सोचा, क्या करूं, अब छुपने के लिए भी समय नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं मेरा चतुर्भुज नारायण का रूप प्रदर्शित करूंगा ताकि वो कहीं दूसरी ओर चले जाएं, मेरे पास नहीं रहें। तो गोपियां ढूंढते ढूंढते आईं, अचानक देखा कि चतुर्भुज नारायण खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। तो गोपियों ने जैसे ही देखा पूरा प्रणाम किया, भगवान नारायण नमस्कार, प्रणाम हो आपको। साधारणतः यदि भगवान ऐसे दिखाई पड़े रास्ते में, हम तो वहीं रह जाएंगे ना,
भगवान को प्रणाम करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, ऐसे अवसर को थोड़ी ना छोड़ेंगे हम। परंतु गोपियों ने क्या कहा, नमस्कार किया, अब कहा जरा हट जाइए ना, हमको आगे जाना है। कृष्ण कहाँ है, आपने देखा है क्या कृष्ण कहाँ पे हैं? तो ये है भाव उनका। भले भगवान नारायण भी आ जाएं, वहाँ उनके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित भी हो जाएं, फिर भी गोपियाँ नारायण नहीं चाहती हैं, चतुर्भुज नारायण जो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जो दंड देंगे अपने सुदर्शन चक्र से, वो किस भगवान को चाहते हैं, वो किस कृष्ण को चाहते हैं जो ग्वाल बाल है। तो इसलिए ये जो लीला है ये बहुत प्रसिद्ध है वृंदावन में। आप में से किसी को पता है उस स्थान का नाम जहाँ पे ये लीला हुई थी? कौन सा स्थान है जहाँ पे ब्रजभूमि में ये लीला हुई? इसको ये नाम है पैठ, लंबी गोवर्धन यात्रा में पड़ता है ये। वहाँ पर गोपियों के सामने श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, गोपियों ने नमस्कार किया और आगे श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए निकल गईं। इस प्रकार से वृंदावन के निवासियों का भाव ऐसे है और वृंदावन के भाव को ऐसे ही भक्त लोग पसंद करते हैं। इसलिए हम लोग जब अब कृष्ण की उपासना करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त बनने का प्रयास करते हैं, हम नकल नहीं कर सकते ब्रजवासियों की। इसलिए जब हम अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे होते हैं तो बड़े सावधानी से नियमों के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। हम वहाँ जाकर भगवान के विग्रह को आलिंगन नहीं कर सकते, हम हे गोविंद कह के हम पुकार सकते हैं, परंतु हृदय से हमारा व्यवहार बहुत ही ठीक ठाक होना चाहिए, नियम ऐश्वर्य भाव में होना चाहिए। हृदय में भले हम वृंदावन के भाव का अनुशीलन करने का प्रयास क्यों न करें, तो गोपियाँ, चाहे वो तरुणी गोपियाँ हों या वरिष्ठ गोपियाँ हों, वो सब श्री कृष्ण को या तो अपना प्रेमी मानती हैं या तो अपना पुत्र तुल्य मानती हैं। जब श्री कृष्ण द्वारका से गए थे कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के लिए, तो जब गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, बड़े ठाट से आए थे, नौकर चाकर सब थे, रथ के ऊपर सवार होकर आए थे, किरीट मुकुट सर पे, और ये राजपुत्र राजकुमार या राजा का वेश और हाव भाव राजा का था, तो गोपियों ने सोचा, अरे ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, ये सब छोड़ दो अभी, ये ले लो बांसुरी ले लो और ये मोर पंख ले लो अपने मुकुट में या अपने बालों में और चले आओ वृंदावन, वहाँ बांसुरी बजाना। तो ये वृंदावन की गोपियाँ पसंद करती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो भक्तों के लिए बहुत प्रिय है, ये वैसे अक्सर वैष्णव इसका पठन तो करते ही हैं, परंतु अनेक वैष्णव ने अपना नियम बना लिया है कि प्रातः काल में जब वो निद्रा से जागते हैं तो कई श्लोकों का उच्चारण करते हैं और उनमें से ये एक है, ऐसे प्रसिद्ध श्लोक। जब हम सुबह सुबह जागते हैं ना नींद से, तो तुरंत भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, इससे पहले कि हमारे मन में दूसरा कोई विचार आ जाए कि अरे दफ्तर जाना है, अरे अरे आज ये करना है, वो करना है, वो सब बाद में करिए। पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है। हरे कृष्ण महामंत्र तो बोल ही सकते हैं और बोलना है, आपने आपके प्रिय विग्रहों का नाम भी आप ले सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं, कोई सुंदर मधुर श्लोक हो भागवत के, ब्रह्म संहिता के, इनका भी उच्चारण हम कर सकते हैं, ताकि रात भर की निद्रा से जो मन प्रदूषित हो चुका है तमोगुण में, अब वो मन जो है पूरा शुद्ध हो जाता है भगवान का स्मरण करने से। आप में जो भगवान की सेवा करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, आप वहाँ अंदर प्रवेश करने के पहले या आचमन करते से कौन से श्लोक का आप उच्चारण करते हैं?
अंदर बाहर ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बह्याभ्यंतरः शुचिः। कि चाहे हम पवित्र अवस्था में हों या अपवित्र, चाहे हम किसी अच्छे स्थान से गुजरे हुए हों या न हों, यदि हमने पुंडरीकाक्ष गोविंद, वो भगवान श्री कृष्ण जिनकी आंखें खिली हुई हैं एक कमल पुष्प के समान, कमल के पंखुड़ियों के समान, तो ऐसे पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण का स्मरण जब हम करते हैं तो चाहे हम किसी भी स्थान से होकर क्यों ना आए हों, हम पवित्र हो जाते हैं अंदर से भी और बाहर से भी। तो ऐसे शुद्धिकरण होता है, जैसे हम स्नान करते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए, उसी तरह से मन को साफ करने के लिए भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, भगवान के सुंदर वर्णन इन श्लोकों के द्वारा, इनका उच्चारण हम करते हैं। तो प्रातः काल में जैसे ही उठते हैं तुरंत भगवान के विविध जो विग्रहों के नाम हैं, चाहे राधा गोविंद हो, वृंदावन के राधा श्याम सुंदर हो, या आपके कोई ऐसे प्रिय विग्रह हो, उनका नाम आप ले सकते हैं, उनका सुंदर रूप का स्मरण कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, और कोई आपके प्रिय भागवतम के या ब्रह्म संहिता आदि के श्लोक आप बोलिए। तो ये एक श्लोक है दसवें स्कंद के अंतिम अध्याय में जो बहुत प्रसिद्ध है। यह है क्या यहाँ पर? अरे नहीं वो श्लोक है ना ऊपर? या ठीक लगाए। सुखदेव गोस्वामी श्लोक को कहते हैं, और आप सबसे निवेदन है कि यदि संभव हो, नहीं है संभव तो कोई बात नहीं, यदि संभव हो तो इस श्लोक को कंठस्थ करने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत सुंदर श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। हमारे आचार्यों ने इस श्लोक के ऊपर बहुत टीका की है, सुंदर सुंदर बातें कही हैं। आ गया श्लोक। आप में से कितने भक्तों ने श्लोक को सुना है पहले या पठन किया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जयति जन निवासो देवकी जन्म वादो, यदुवर परिषद स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्। स्थिरचर वृजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। जयति जननिवासो देवकी जन्म वादो, यदुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्। स्थिर जर वृज नग्न सुस्मिता श्री मुखेन, व्रज पुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण जननिवास के नाम से विख्यात हैं, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक हैं और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंद पूर्ण मंद हास्युक्त मुख वृंदावन की गोपियों की काम इच्छाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो
और वे प्रसन्न हों। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होते थे तो रथ के सामने आकर अनेक श्लोकों का उच्चारण करते थे, जैसे कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये एक श्लोक है। और एक श्लोक था ये वाला, इस श्लोक का उच्चारण भी करते थे। और एक श्लोक है जो इसकी तरह ही है, वो महाराज कुलशेखर का एक श्लोक है मुकुंद माला स्तोत्र से, कोई बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा, हमारे ऋषि कुमार प्रभु ने बहुत सुंदर रूप से इस श्लोक को बताया कि जयतु जयतु, जय जयकार हो, भगवान ही एक व्यक्ति हैं जो जय जयकार के योग्य हैं। जय जयकार हो वो भगवान का, जयतु जयतु देवकी जन्म न सौ या यम देवकी नंदन सौ, कई जगह यम भी है अयम। तो उसी बात को यहाँ भी कहा गया है श्लोक में कि जयति जन निवासो देवकी नंदनो देवकी जन्मवादो, देवकी जन्मवादो। वाद, वाद का अर्थ क्या है कि एक विचार है कि ये देवकी से जन्म लिए हैं, ऐसे एक विचारधारा है। तो ये विचारधारा अर्थात कोई और भी है जिनका जिनकी विचारधारा कुछ अलग है। क्यों? कोई कहते नहीं नहीं नहीं, देवकी के पुत्र नहीं है, किन के हैं? यशोदा के पुत्र है वो। तो जो मथुरा द्वारका के भाव में है वो कहेंगे कृष्ण की माता कौन है? देवकी है। जो वृंदावन के भाव में है वो क्या कहेंगे? कृष्ण की माता यशोदा है। तो इस तरह से ये वाद है, शब्द है। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी कहते हैं जयति जन निवास है। जन निवास का अर्थ है कि जो कि जनों के अंदर निवास करते हैं, परमात्मा का, परमात्मा के रूप में हर एक प्राणी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, अंतःकरण में। तो जो लोग खास करके शुकदेव गोस्वामी उन लोगों के लिए कहते हैं जिनकी धारणा ये है कि भगवान श्री कृष्ण केवल निराकार है, श्री राधा गोविंद की जय, तो शुकदेव गोस्वामी उनके लिए कहते हैं कि नहीं नहीं, श्री कृष्ण केवल निराकार नहीं है, वो हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, ध्यान रखिए। और हमारे जो आचार्य हैं सनातन गोस्वामी आदि, वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर केवल परमात्मा की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जन निवास का और एक शब्द हो सकता है कि वो व्यक्ति जो साधारण जन की तरह साधारण जनों के बीच में निवास कर रहे हैं, जैसे कि वो वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में एक साधारण व्यक्ति की तरह श्री कृष्ण रहते थे और रहते हैं, वर्तमान काल का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह ये जन निवास शब्द का तात्पर्य ये है। तो सनातन गोस्वामी आदि कहते हैं कि जन निवास से हमें समझना चाहिए कि निज जन जीवन, कि भगवान श्री कृष्ण अपने जनों के, अपने जो प्रिय भक्त हैं वृंदावन के, उनके वो जीवन है, उनके प्राण है। इसलिए यहाँ पे जन निवास जयति जन निवास, इसका मतलब है श्री कृष्ण जो व्रजवासियों के बीच में निवास करते हैं। देवकी जन्म वादो, ऐसे वाद में कि ये देवकी हैं, वास्तव में यशोदा का भी और एक नाम है देवकी। इसलिए वृंदावन के भक्त मानते हैं कि ये तो माता यशोदा के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र नहीं,
जब माता देवकी और वसुदेव ने श्री कृष्ण को कंस को मारते हुए देखा तो उनका जो वात्सल्य भाव है वो शिथिल हो गया, कमज़ोर हो गया, और वो सोचने लगे, अरे ये तो भगवान है और हमने बड़ा अपराध कर दिया। हम तो ये मान रहे थे कि ये श्री कृष्ण, ये तो हमारे पुत्र हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अरे मज़ा किरकिरा हो गया, अब मेरे माता पिता जो हैं सोचने लगे कि मैं भगवान हूँ, तो उन्होंने योग माया का पर्दा उनके आँखों के सामने डाल दिया। और फिर से देवकी माता और वसुदेव सोचने लगे, अरे अरे ये तो हमारा वसुदेव है, ये तो हमारा पुत्र वासुदेव है, ये तो हमारा पुत्र है। तो मथुरा में और वृंदावन में ये अंतर है। माता यशोदा कभी ऐसे संशय नहीं करती कि क्या ये मेरा पुत्र है या नहीं। माता यशोदा से कहा जाए कि देखो इसने गोवर्धन उठाया, ये भगवान है, तो माता यशोदा क्या उत्तर देंगी? भगवान हो कोई भी हो, लेकिन ये मेरा पुत्र है और ये यदि गलत काम करता है तो मैं इसे डांटूंगी। ये है माता यशोदा और वृंदावन का भाव। तो इसलिए यहाँ पर जब देवकी जन्मवाद कहा गया है तो ये संबोधन वास्तव में सनातन गोस्वामी के अनुसार किन के लिए है? माता यशोदा के पुत्र के लिए है। यदुवर परिषद, अपने यदु वंश के लोगों से वो सेवित हैं, सेव्य हैं। वास्तव में यदुवर भी उनके सेवा करते हैं, ब्रजवासी भी सेवा करते हैं उनकी, बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। और आगे कहते हैं, यदुवर परिषद स्वैर दौर्भीर अस्यन अधर्मन, अपने पूजाओं से श्री कृष्ण अपने निज जनों की रक्षा करते हैं। आज सुबह भी जिस श्लोक पे हम पढ़ रहे थे, दैव से देखिए, ऐसे इसी बात की पुष्टि हुई वहाँ उस श्लोक में, आप में से जो भागवत कक्षा में आए थे आज सुबह। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कभी कभी शाल्व या ऐसे बड़े बड़े असुर जो द्वारका में आए उनका वध श्री कृष्ण ने कर दिया, परंतु सनातन गोस्वामी कहते नहीं, उन्हीं भुजाओं से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया और अरिष्टासुर का वध कर दिया और ऐसे भयंकर असुर थे जो वृंदावन में आए थे उनका भी वध कर दिया। तो आगे सनातन गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, अस्यन अधर्मम, कि वो उनकी हत्या करते हैं उन लोगों की जो कि पापी हैं, और जो भी अशुभ चीज़ें हमारे जीवन में हैं उनका भी विनाश करते हैं। साथ साथ स्थिर चर वृजिन अग्नः, जो चर और अचर प्राणी हैं उनके जीवन में जो भी अशुभ है, अमंगल हैं, उनका विनाश करते हैं। सुस्मित श्री मुखेन व्रजपुर वनितानाम वर्धयन कामदेवम। तो जब श्री कृष्ण अपने स्मित हास्य का प्रदर्शन करते हैं तो उनका जो सौंदर्य है, उनके मुखारविंद का सौंदर्य है, वो सारे ब्रजवासियों को मोहित कर देता है। और सबसे अधिक मोहित जो हो जाती हैं वो है वृंदावन की गोपियाँ। और इस तरह से उनका जो स्नेह है श्री कृष्ण के प्रति वो और भी बढ़ता है। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी और अन्य आचार्यों ने इसको वृंदावन का भाव दिया है। सुखदेव गोस्वामी ने भी ऐसे बतलाया है कि देखिए, यदि जो चाहें द्वारका के भाव से देख सकते हैं, मथुरा के भाव से देख सकते हैं, परंतु हमारे आचार्यों ने इसको वृंदावन का भाव दिया। और इसलिए वो कहते हैं कि हाँ, गोपियाँ जाके कह रही हैं कि ये मत कहना कि आप देवकी और वसुदेव के पुत्र हो, नहीं नहीं, आप यशोदा और नंद महाराज के पुत्र हो, ये याद रखना। तो इस तरह से वृंदावन का भाव है। तो यदि हम तत्व की दृष्टि से देखना चाहें तो फिर श्री कृष्ण सभी के माता हैं, सभी के पिता हैं, वो किसी के पुत्र नहीं हो सकते। इसलिए वाद शब्द का प्रयोग किया गया कि ऐसे कहा गया है, क्योंकि वास्तव में तत्व की दृष्टि से भगवान के कोई पिता माता नहीं हो सकते, परंतु रस के दृष्टि से भगवान पुत्र बनना पसंद करते हैं। तो वृंदावन में वो यशोदा और नंद महाराज के पुत्र हैं, द्वारका मथुरा में वो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, अपने विभिन्न अवतारों में
कभी वो अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। तो इस तरह से भगवान अपने शुद्ध भक्तों को स्वीकार करते हैं माता पिता के रूप में। तो वृंदावन में विशेष बात यह है कि जो एक निकटता है प्रेम की, जो एक मधुरता है, वो और कहीं नहीं पाई जाती। इस तरह की बाल लीला जहाँ पर श्री कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं और मटके तोड़ देते हैं और फिर माता यशोदा उनको दंड देती हैं, ऐसे किसी भी अन्य वैकुंठ लोक में नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा उन्नत उज्ज्वल रस। चैतन्य महाप्रभु इस वृंदावन के भाव को फैलाने के लिए आए हैं, दुनिया के लोगों को इस वृंदावन के भाव से परिचित कराने के लिए आए। तो श्रील प्रभुपाद जी जिस प्रकार से तात्पर्य में समझाते हैं कि वृंदावन का भाव क्या है, उसी का अनुशीलन करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ऐसे ब्रजवासियों के भक्तों में चलने का प्रयास करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, परंतु उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उनके बारे में सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को भी सुनना चाहिए, संपूर्ण भागवतम को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। भागवतम भागवतम है, परंतु विशेष ध्यान भी हमें देना चाहिए भगवान कृष्ण के वृंदावन लीलाओं के प्रति, ताकि हमारा हृदय वृंदावन की ओर आकर्षित हो जाए। ये प्रस्ताव अच्छा है या नहीं? ठीक है, कबूल मंजूर। तो आज हमारा इंदौर आना सफल, आप सबने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया। हरे कृष्णा। तो थोड़ा समय अधिक ले लिया हमने, क्षमा कर दीजिए। वैसे तैयारी करने के लिए समय नहीं मिला था, हम यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे थे, तो जो मन में आया हमने कुछ कह दिया दो बातें वृंदावन के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका संग प्राप्त हुआ, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आशा करता हूँ कि और आगे भी आने का सुअवसर मुझे प्राप्त होगा कहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कोई प्रश्न एक दो हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हाँ जी एक दो बस, देर हो गई है। हाँ जी, ये प्रश्न आपको गृहस्थ भक्तों को पूछना चाहिए, अच्छा अवसर उत्तर भी मिल जाएगा। तो प्रश्न ये है कि जब शिक्षाष्टकम में महाप्रभु गोपियों के भाव में कहते हैं कि बिना कोई शर्त के हम आपके शरण में हैं, आप चाहे हमें ठुकराइए या जिस प्रकार से भी आप व्यवहार हमसे करेंगे, हम आपके शरण में रहेंगे। परंतु दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण चंद्रावली गोपी के पास जाते हैं तो राधा रानी की मान लीला होती है, तो ऐसा क्यों? यदि श्री कृष्ण वहाँ जाना पसंद करते हैं तो फिर राधा रानी को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि ये रसवर्धक है। वृंदावन में ऐसी लीलाएं जब होती हैं तो माधुरी रस का मिठास और उसकी तीव्रता बढ़ती है। ये बहुत ऊंचा विषय है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, न हमें कोई योग्यता है अधिक चर्चा करने के लिए इस विषय के ऊपर। परंतु ये एक रस की वृद्धि के लिए, ताकि फिर श्री कृष्ण वापस जाएंगे जब देखेंगे कि मान लीला चल रही है तो राधा रानी के पास जाएंगे तो और रस बढ़ जाता है और मिठास उसका बढ़ जाता है। परंतु चंद्रावली गोपी हैं कौन? ये सारे गोपियां हैं कौन? श्रीमती राधा रानी के काय व्यूह हैं, अर्थात उनके ही विस्तार है। तो ये सब लीला है, लीला के रस को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो महामन प्रभु, वी हैव योर परमिशन टू स्टॉप नाउ। महामन प्रभु, या महामन प्रभु जी बहुत प्रयास कर रहे हैं इस मंदिर को ठीक ठाक करने के लिए और बढ़ाने के लिए, कृपया आप सब भी इनकी सहायता कीजिए,
इनके साथ आके मदद कीजिए ताकि और भी अच्छी तरह से सुचारू रूप से यह इंदौर मंदिर अच्छी तरह से और बढ़े, नया मंदिर भी शीघ्र अतिशीघ्र तैयार हो जाए। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। धन्यवाद।